रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। मिशन नारी शक्ति के तहत टॉपर 9 बच्चियों को एक दिन का अधिकारी बनाया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन नारी शक्ति अभियान के तहत झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में टॉपर 9 बच्चियों को उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित अन्य प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद बच्चियों ने सरकार की इस अभियान की प्रशंसा की। जानकारी के अनुसार आज झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन नारी शक्ति अभियान के तहत एक दिन का अधिकारी बनाया गया, जिसमें उपजिलाधिकारी सुनैना मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नैन्सी गुप्ता, मऊरानीपुर तहसीलदार आशी गुप्ता, मऊरानीपुर चिकित्सा अधीक्षक आशी गुप्ता, मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी कुमकुम नायक, उपसंभागीय कृषि अधिकारी वंशिका, खंड शिक्षा अधिकारी कृतिका, खंड विकास अधिकारी अंजलि गुप्ता, मऊरानीपुर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कंचन अग्रवाल को बनाया गया। सुबह लगभग 10 बजे सभी टॉपर बच्चों को सरकारी गाड़ी से उन्हें घर से लाया गया और उन्हें एक दिन का तहसील स्तर का अधिकारी बनाया गया, जिसके बाद तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव व पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अभिषेक कुमार राहुल द्वारा उनके एक दिन के कार्य व अनुभव के बारे में जानकारी ली, जिसके चलते बच्चियों ने सरकार की योजना की प्रशंसा की और भविष्य में अपने सपने को साकार करने की भी बात कही। इस मौके पर सभी एक दिन की अधिकारी नव दुर्गा स्वरूपा 9 बच्चियों को शील्ड व उपहार देकर सम्मानित किया गया। बुंदेली न्यूज, मऊरानीपुर। क्या नाम है आपका? आशी गुप्ता। आशी गुप्ता, आज आप यहाँ चिकित्सा अधीक्षक बने हैं, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ आप किस वजह से आज चिकित्सा अधीक्षक बने हैं, आपको जानकारी है? हाँ, नारी सशक्तिकरण है ना, उसके लिए। जो सरकार ने जो फैसला लिया है, हाँ, इससे आप कितना खुश हैं? बहुत अच्छा है, लेडीज़ के लिए और भी ज़्यादा प्रॉफिट भी है और उनकी मतलब उनकी सेफ्टी भी बहुत अच्छे तरीके से रखी जा रही और हर चीज़ का ध्यान भी रखा जा रहा कि और ये कोरोना के चलते उसमें वैक्सीन वगैरह हर चीज़ यूज़फुल है, सब कुछ देखा जा रहा। अच्छा, आज आपने चिकित्सा अधीक्षक की कुर्सी पे बैठ के बैठे हैं, हाँ, और आपने कई सारी चीज़ें भी देखी होंगी स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से क्या है, तो मतलब इस सारी जानकारी से आपको कैसा लग रहा है कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए? आगे कुछ भी, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है सब बहुत बढ़िया तरीके से है और हर रोगी की अच्छी तरीके से जांच की जा रही, सब कुछ दवाई वगैरह सब टाइम पे दिया जा रहा, सब रूटीन है, तो बहुत अच्छा है। नहीं, तो आज आप जो अधीक्षक बने हैं, इसके बाद आपके आगे का फैसला क्या है, क्या आप आगे किस पोस्ट पे दिमाग है आपका कि अब हमें बनना ही है? IAS। IAS, आपको शुभकामनाएं। क्या नाम है बेटा? आज आप पुलिस क्षेत्राधिकारी की कुर्सी पे बैठे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा, ये बताइए, आज जो आप पुलिस का कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में क्या समझ में आया है आपको? पुलिस नौकरी कैसी है? अच्छी है, ये एक हिसाब से जनता की सेवा करना है और उनको अच्छे से सुरक्षा करना है और उनकी बहुत अच्छी सुरक्षा करना है। और अच्छा, ये बताइए, आज जो आप यहाँ कुर्सी पर बैठी हैं, ये किस वजह से बैठी हैं आपको पता है? शायद मिशन शक्ति के तहत आप बैठे हैं, एक दिन का आपको पुलिस क्षेत्राधिकारी बनाया गया है। अच्छा, ये बताइए, आप किस सब्जेक्ट में टॉप आई थी, किस क्लास में टॉप आई थी? ट्वेल्थ में टॉप आई थी। कितने परसेंट आए थे आपके? 83.6। आप किस फैमिली से बिलोंग करती हैं पता है? कहाँ से बिलोंग करती हैं आप, कहाँ से रहने वाले हैं? पापा क्या करते हैं? शॉपकीपर है। अच्छा, अब आगे क्या, आपने आज कुर्सी पे बैठे हैं तो आज आपने आगे क्या सोचा है कि आपको आगे क्या बनना है? हमें बनना तो था डॉक्टर और बनेंगे भी। अभी क्या सोचा आपने, डॉक्टर बनना है आपको? ना डॉक्टर बनना है। जिलाधिकारी के पद पे आपको यहाँ पे तैनात किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मुझे इतने बड़े पद पर बिठाया गया है, उसके लिए मैं अपने एसडीएम सर का और प्रमोद सर का धन्यवाद करूँगी। और यहाँ बैठ के मुझे कई सारी जानकारी दी गई एसडीएम सर द्वारा और कई प्रार्थना पत्र है, उस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे।
आप मैं जनता गरीब जनता के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो जो हमारे मौलानी में जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको सबसे पहले फॉलो किया जाए, क्योंकि अगर जैसे हमारे नरेंद्र मोदी और यूपी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो अगर हम वो थीम अपनाएंगे तो हम ज़्यादा जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रहती है जनता की अतिक्रमण की, इसलिए आप क्या बोलेंगे? जी हाँ, अतिक्रमण की ऊपर मेरे पास एक प्रार्थना पत्र भी आया है, उस पर हम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो मार्ग ठेले पर सामान बेचने वाले लोग हैं उन्हें हम नोटिस भिजवाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो सारे ठेले सुनई नदी के किनारे आकर लगाएं, उन्हें एक परमानेंट उनकी जगह दी जाएगी, जिससे नगर का सौंदर्यीकरण भी होगा, उससे चौपाटी का नाम दिया जाएगा। आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा एक अलग से जगह रहती है जहाँ चौपाटी में सब खाने पीने का सामान मिलता है, तो इससे नगर का सौंदर्यीकरण भी होगा और जो हाथ सामान बेचने वाले लोग जो ठेले पर रहते हैं उनसे लोगों को यातायात में दिक्कत होती है, गंदगी फैलती है। आपने नोटिस किया होगा कि मोगानी क्योंकि तीन तीन जगह है जैसे बिलैया चौराहा, नगर पालिका चौराहा, वहाँ पर हाथ ठेले वाले लोगों की वजह से काफ़ी यातायात में दिक्कत होती है, गंदगी होती है। इसलिए हमने ईयू नगर पालिका से बात की है, वो बोलते हैं कि हम इन्हें नोटिस भिजवाएंगे और जल्द से जल्द इसका कार्य करेंगे। जिलाधिकारी के द्वारा आपको क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं? जिलाधिकारी SDM सर के द्वारा मुझे कई सारी जानकारियाँ दी गई, उन्होंने मुझे बताया अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज के बारे में, जिसे जिसे जानकर मुझे अधिक खुशी। सर आज जो आप एक दिन के अधिकारी तहसील लेवल पे नौ बच्चियों को अधिकारी बनाए गए, सर ये क्या है, मतलब पूरा पैटर्न सर किस तरीके से, किन बच्चियों को आज चयनित किया गया है? आज हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति का पूरा आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे अभी नवरात्र से लेकर के अगली नवरात्रों तक हमारा पूरा 180 दिन का कार्यक्रम है। उसी के अंतर्गत में आज हमारे पूरे नौ दुर्गाओं के स्वरूप के रूप में आज हमने नौ बच्चियों को चयनित किया था, जो तहसील में अलग अलग हमारे जितने भी सभी अधिकारी हैं उन अधिकारियों के पदों पे वो बच्चियाँ थीं। SDM के पद पे सुनैना थी, नैन्सी जो थी वो CO साहब के पद पे थीं, इसी तरीके से हमारी सारी बच्चियाँ जो थीं वो अलग अलग पदों पे ABSA के पद पे, BDO के पद पे और EO के पद पे, हमारी जितने जो इम्पोर्टेंट हमारे नौ पद हैं पूरे तहसीलों के, जिसमें हमारी पूरी तहसील के पूरे कार्यकलाप पूरे संबंधित रहते हैं, उन पदों पे आज बच्चियों ने वहाँ पे रह करके अपने जो दायित्व थे उनका निर्वहन किया, किस तरीके से कार्यालय काम करते हैं, किस तरीके से वर्किंग होती है, क्या क्या वहाँ के दायित्व रहते हैं, उन सभी के बारे में जाना, और बच्चों का ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। तो इस प्रकार से ये हमारे जो बच्चे पूरे अलग अलग उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जामों में अच्छे नंबर लेके आए थे, उन बच्चों को यहाँ पे हम लोगों ने उनको बुलाया गया था और उन बच्चों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे उनका अनुभव भी रहा। और इस तरीके से हम चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम इस तरीके के हैं, ये इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग मिशन शक्ति के अंतर्गत में और भी यहाँ पर पूरे के पूरे आगामी हम करते रहेंगे। सोमवार को हमारे यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क सभी तहसीलों में आयोजित की जा रही है, तो उसका भी हम शुभारंभ सोमवार के दिन यहाँ पे हम करेंगे। तो इसी तरीके से और भी पूरे कार्यक्रम 180 दिन में, जिसमें हमारे महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और आत्म सम्मान का जो पूरे कार्यक्रम है वो हम पूरा का पूरा जोर शोर से यहाँ पर कार्यक्रम अपनी तहसीलों में हम करते रहेंगे।